नमस्कार, मैं कंचन महेश्वरी और थे देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम को नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। थारो समय थारी खबर। देखता ही देखता साल को आखिरी हफ्तों भी आ गए। वो आखिरी हफ्तों भी अच्छी बुरी ज्ञान विज्ञान घटना दुर्घटना त्योहारा और सामाजिक कार्यक्रम से भरे रहे। केंद्र से लेकर राज्यों तक राजनीति आपको रंग दिखाने लग रही है। मोदी जी देश का सबसे तगड़ो और लंबे पुल को उद्घाटन करो, सागर दियो नयो साल को तोहफो। तो तीन तलाक का कानून का विरुद्ध चाल गई ममता बनर्जी। सिक्किम में राजनीतिक दल बदलनो चाल ही रियो है, इसी बीच प्रकृति आपको कहर ढागी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फाटने के बाद आई सुनामी में सैकड़ों लोग घायल हो गया और कई मौत का ग्रास बन गया। घना कोहरा का कारण हरियाणा के झांझर में एक के पीछे एक 50 गाड़ियां टक्कर खा गई। ई दुखदायी घटना में 10 लोग अकाल मृत्यु का मुंह में चले गया और कई घायल हो गया। गाड़ी माल सामान को नुकसान हुयो सो अलग। एक का ने सीबीएसई परीक्षा की तारीख निकली तो बंगाल का एसयूसीआई दार्जिलिंग कमेटी धरनों प्रदर्शन करने बैठ गई। आठवीं ताई फेल ना करने की प्रथा ने हटान ताई। हड़ताल और छुट्टियां न मिलागा, पिछला हफ्ता बैंक मोटा मोटी बंद ही रहा, जिके सा आम आदमी ने बहुत दिक्कत हुई। ऊपर से शहर का आसपास पेट्रोल पंपा में डकैतियां भी होगी। मारवाड़ी समाज को महिला वर्ग इस हफ्ता घनी चर्चा में रहे। कई कार्यक्रम आयोजित होया, जिया की मुस्कान शाखा को एक पुण्य कार्य। महेश्वरी महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग खेली। महेश्वरी महिला को समूह पनाश एक फ्ली मार्केट को सफल आयोजन करो। लायंस क्लब दो बड़ा आयोजन करया। आने वाले 30 दिसंबर न मारवाड़ी युवा मंच एक मेगा हेल्थ चेकअप ब्लड डोनेशन और कैंसर अवेयरनेस कैंप को आयोजन कर रहे हैं। बीते हफ्ते की यहाँ की ही नरम गरम खबर आप जानेंगे विस्तार से। महेश्वरी प्रीमियर लीग के अंतर्गत सिलीगुड़ी में महेश्वरी महिला क्रिकेट को भी पहली बार आयोजन किया गया। इसमें समाज की युवा लड़कियां से लेकर गृहिणियां भी भाग ली। भी के बाद पुरुषों को भी टूर्नामेंट हुयो। महेश्वरी समाज पूरे बंगाल में पहली बार लेडीज क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और हर दिन हम सुबह प्रैक्टिस के लिए भी आए हैं। मारवाड़ी युवा मंच की मुस्कान शाखा एक स्कूल ने ही गोद ले ली और बी स्कूल में 3 क्लासरूम्स और एक शौचालय बनवा कर दी। भविष्य में भी इस स्कूल को जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी मुस्कान शाखा ली है। इस विषय में अध्यक्ष नीलम बंसल जी आपने जानकारी दी है। ये स्कूल में हम एक दिन जून मई में आए थे यहाँ पर, तो हम पानी लगाने के लिए आए, लेकिन स्कूल में देखिए बहुत सी कमियाँ हैं। स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए फ़ैन लाइट कुछ नहीं है। जो 2 रूम था वहाँ, लेकिन क्लास 4 तक मतलब ये क्लास चल रही थी। तो हमने मैम ने कहा कि यहाँ बहुत चीज़ की दरकार है, तो हमने बस ऐसे जाके फिर हमने एक मीटिंग रखी मुस्कान की। तो हमने मेम्बर्स के सामने ये प्रस्ताव रखा क्यों ना हम लोग ये स्कूल को एडोप्ट किया जाए, लेकिन इसमें कुछ अभी बहुत सी कमियां हैं। आने वाले साल में हम लगता है कि ये सब कमियां हम पूरी कर देंगे। पेड़ हमको क्या दे रहे हैं तो हमको पता नहीं, और वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट, बट वी गेट सो मच ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स आफ्टर प्लांटिंग अ ट्री। सो जस्ट टेक इट एज अ ओथ। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल्सो टू टेक इट एज अ प्रोग्राम to have a mass planting or before a start of any function, I request you to plant at least 1 tree, so that will be useful for the environment and also for everybody. सिलीगुड़ी में लायंस शक्ति और लायंस प्रोफेशनल दो अलग अलग आयोजन करया। लायंस तराई शक्ति एक अलग उदाहरण राखी। आयोजन में हाथ से बने उड़ी चीजा से सारी सजावट कर गए और सागे ही कार्यक्रम में छोटा टाबरा से लेकर बूढ़ा बड़े रहता है, सारा के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी रखी गई थी। उनका कार्यक्रम की कहानी सुना उना की जुबानी। हमारा ये फंड रेजिंग प्रोग्राम भी है प्लस सर्विस विद फेलोशिप। इसमें सब लोग आएंगे, मस्ती करेंगे, पूरी फैमिली के साथ आएंगे, बच्चे बड़े बूढ़े सब आएंगे, और सबके लिए गेम्स वगैरह है, कॉम्पिटिशन्स हैं, एक्टिविटीज़, खाना पीना सब कुछ, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है। पूरे देश का सागर ही सिलीगुड़ी कुछ प्यार और मालदा में भी मनाया गयो यीशु को जन्मदिन बड़ो दिन। अलग अलग चर्चा में यीशु के लिए प्रार्थना करेगी। कुछ लोग कंबल मिठाई और खान पान को सामान बांट कर बड़ो ही पुण्यता के सागर मनायो यो त्योहार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबने इस अवसर पर बधाई दी है और प्रार्थना सभा में भाग भी ली है।
इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन भी हो। इस अवसर में सदैव अटल स्मारक न प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र ने समर्पित करया। प्रधानमंत्री सागर राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोग अटल जी ने श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अटल जी के सम्मान में भारत सरकार 24 दिसंबर के दिन 100 रुपये को सिक्को भी जारी करो है। सिक्के में अटल जी को चित्र अंकित है, सागर ही उनकी जन्म और मृत्यु की तिथि भी अंकित है। कहो जावा है कि सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लेकिन ममता दीदी के अनुसार तृणमूल की सरकार आने के बाद आयोडा बदलाव और आधुनिकीकरण को फायदो गंगा सागर ने भी होयो है। अब थे गंगा सागर तीर्थ भी बार बार कर सको हो। गंगा सागर मेला न लेगा मुख्यमंत्री दिखी घनी सक्रिय। जनवरी का 7 तारीख से शुरू होने जा रहे हो है गंगा सागर मेला। इसकी तैयारियों को जायजो ले रही है खुद ममता बनर्जी। लोगों की सुख सुविधा को व्यवस्था को निज निरीक्षण कर रही है। सागर ही घोषणा करी है कि यदि कोई दुर्घटना घट जाओगी तो पीड़िता का परिवार वाला ने 5-5 लाख रुपया ताई को रकम देवेगी ममता सरकार। बीकर पहले एक नम्र निवेदन है, एसके लाइव का मारवाड़ी न्यूज बुलेटिन ने लाइक और शेयर करके दुष्ट दुनिया में मारवाड़ को प्रचार प्रसार करने की एसके लाइव की मुहिम में जुड़ो। सागे ही एसके लाइव का यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करनो ना भूलिया। अभी समय है एक अल्प विराम को, पाछा मिलांगा थोड़ी सी देर में। गोर्खालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का वाइस चेयरमैन श्रीमान अनित थापाज्यूले क्रिसमस अनि नयाँ वर्ष 2019 को सबैलाई आन्तरिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। तिनले आफ्नो नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमा जिटिए को पदभार आफूहरूले सम्हालेपछि नै अहिले सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रको दिनरात चौतर्फी विकासमूलक कार्यहरू भइरहेको अवगत गराउँदै आउँदो वर्ष 2019 अझ यसभन्दा अधिक विविध विकासमूलक कार्यहरू गर्ने आफ्नो सोच रहेको बताएका छन्। यसको साथै नयाँ वर्षमा आफ्नो जातिको भाषा साहित्य संस्कृतिको अझ थप विकास गरेर लैजानको साथै सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक चेतनाको पनि अभिवृद्धि गरेर लैजाने आफूले प्रण गरेको तिनले जनाएका छन्। श्रीमान अनित थापाज्यूले जिटिए क्षेत्र लगायत अन्य सबै महानुभावहरूमा नयाँ वर्षको अग्रिम हार्दिक शुभकामनासहित सुख शान्ति भाइचाराको सन्देश अनि उत्तरोत्तर प्रगति एवं उन्नतिको पनि कामना गरेका छन्। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोस आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कॉन्टैक्ट समानी इंस्टीट्यूट ऑफ द जी विजन एंड प्रोडक्शंस। मोबाइल नंबर 9434023813। Interested to learn photography but don't have time on weekdays? Good news, we have started weekly classes on Sundays. Admission going on. Enroll now. Contact 7384634846, 7797945262, 9832078906. Address: Somani Institute of DG Vision and Productions, Ashram Pada, Ramkrishna Road, beside Angela High School, Siliguri. SK Live is 21st century internet news channel, now also available on Hathaway Box channel number 871 on traditional TV. SK Live is the first and independent internet and traditional news channel in North Bengal and Sikkim, committed to providing complete news and live debate to global audience in 5 different languages, viz. Hindi, Bengali, Nepali, Marwari and Bhojpuri. We stream over the internet and onto your TV device, smart as well as cable, computer or smartphone, and our original television contains produced HD video. आगे बढ़ा खबरों में। भाजपा की महत्वाकांक्षी गणतंत्र रथ यात्रा खटाई में पड़ गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय रथ यात्रा न अनुमति देने वाली एकल पीठ के आदेश ने रद्द कर दियो है। राज्य सरकार की तरफ से ममता इस यात्रा ने रोकने में अड़ोरी है। उनको कहना है कि यात्रा से राज्य में हिंसा होने की डर है। दूसरे कहानी भाजपा बोले है कि तृणमूल रथ यात्रा और भाजपा से डरोरी है। मामलो अभी हाईकोर्ट में अड़ोरो है। सिलीगुड़ी के आसपास एनजेपी आमबाड़ी मैनागुड़ी में एक ही रात में 4 पेट्रोल पंप में डकैती से शहर में सनसनी फैल गई थी। इसी केस में सिलीगुड़ी की एनजेपी थाना पुलिस, माटीगाड़ा थाना पुलिस, सिलीगुड़ी थाना की पुलिस एक सागा मिल गई इस केस ने सुलझाने में लग गई और दो ही दिन के भीतर
इसमें शामिल डकैता ने पकड़ ली। मेट्रोपॉलिटन पुलिस बताया कि रविवार सुबह भारी अभियान चलाकर 3 चोराना पकड़े गयो। सागे ही डकैती में इस्तेमाल करेड़ी बुलेरो गाड़ी भी पकड़ी गई है। GST में घनी राहत का सागा मोदी सरकार साल को तोहफों के रूप में घटा दी कुछ एक चीजों का दाम। TV, टायर, पावर बैंक, वीडियो गेम जैल का 23 कई सामग्रियों का दाम घटाया गया है। इस सब सामग्रियां 28% GST की दर से हटाकर 18% और 12% टैक्स की श्रेणी में घाल दिया गया है। वो करने से निम्न वर्ग का लोगों ने घनी राहत मिल सके। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 3 तलाक मामले में बोलिया कि उनकी सरकार हर तरह से कट्टरपंथियों का विरोध के बाद भी इस कानून न लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे बोलिया कि यो कानून मुस्लिम महिला की सुरक्षा के लिए ही है। दूसरा कहानी ममता बनर्जी बोली है कि वे इस कानून की खिलाफत करेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 आम चुनाव को नहीं बल्कि युग बदलने वालो चुनाव हो सी। आ बात बोली भाजपा अध्यक्ष अमित शाह। वे बोले कि एक बार ओजू जीत हासिल करने के लिए भाजपा कमर कस चुकी है। 2019 को चुनाव वंशवाद, जातिवाद, तुष्टिवाद की कफन के ऊपर आखिरी कील साबित हो सी। वे इल्जाम लगाया कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से बड़ो कोई झूठो को नहीं। हफ्ते भर की खबर का सागा अब मिलेगा अगले साल। जब तक थे देखते रहियो SK लाइव, थारो समय थारी खबर।